हेलो ऑल, वो कौन लोग होंगे जिनको ये करंट पैंडेमिक जो सिचुएशन है हमारे दुनिया पे अब, वो अफेक्ट नहीं करेगी? वो वायरस अफेक्ट नहीं करेगा या मिनिमम अफेक्ट करेगा? ये बात तो हम सब जानते हैं कि हर किसी को ये चीज़ इन्फेक्ट नहीं करने वाली है। तो वो कौन ब्लेस्ड लोग होंगे जिनको ये पैंडेमिक, ये वायरस अफेक्ट नहीं करेगा? और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम वो कैसे हो सकते हैं? ये जो हमारी सृष्टि है, जो यूनिवर्स है, ये गवर्न्ड होती है, ये चलती है लॉज ऑफ यूनिवर्स, लॉज ऑफ एनर्जी के हिसाब से। अब ये लॉ ऑफ एनर्जी समझने के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि एनर्जी हमने तो कभी देखी नहीं है, हमको तो पता नहीं है। देखिए, हम वो बहुत चीजें यूज करते हैं जो हमने देखी नहीं है, पर बिकॉज वो यूज में हमने यूज करना सीख लिया है, हम यूज करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली हमने देखी नहीं है, हमको ये पता है कि उसका यूज कैसे किया, एसी कैसे ऑन करते हैं, आपका टीवी कैसे ऑन कर सकते हैं, ये हमने सीख लिया है। सोलार पावर कैसे बनता है हमको नहीं पता है, पर हमें ये पता है कि सोलार पावर, सूरज से एक रोशनी आती है जो सूरज की किरणों से हम उसमें से कैसे बिजली बना सकते हैं और उसको हम कैसे अपने घर पे या कहीं पे भी ऑफिसेज में यूज कर सकते हैं, हमने वो सीखा है, हमने वो देखा नहीं है। सोलार पावर हमने देखा नहीं है। वैसे ही वाईफाई हमने देखी नहीं है, वाईफाई क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे हमारे घर तक उसका वाईफाई राउटर में वो आता है, हम सीख गए कि वो कैसे यूज करते हैं। ऐसे ही हमारे यूनिवर्स की एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो एनर्जी है वो है कॉस्मिक एनर्जी, वो लाइफ फोर्स एनर्जी, वो प्राण शक्ति जो हम सबको चलाती है। एक सेंटेंस में अगर बोलना चाहूं, प्राण शक्ति या कॉस्मिक एनर्जी का आना बंद तो हम ऑफ, खत्म। तो हमें ये समझना है कि आखिर ये प्राण शक्ति, हम ये कॉस्मिक एनर्जी हम एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, हमारे पास आती कैसे है। ये समझ लीजिए कि हम वो वाईफाई का राउटर हैं, पहले ये तो समझे कि हम वो एनर्जी आती कैसे है, फिर ये समझे कि हम अपनी कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं कि जैसे वो एनर्जी और ज्यादा आए। जितनी बार हमें एक थॉट और इमोशन आता है, हम दिन में हमको 60,000 थॉट्स आते हैं, जितनी बार वो थॉट और इमोशन हमारे मन में आते हैं, हमारे अंदर से एक वाइब्रेशन एमिट होती है, एक स्पंदन हमारे अंदर से आता है जो एक तरह का एक एनर्जी फील्ड हमारे आसपास बना देता है। इस फील्ड को ऑरा कहते हैं। तो जो ये ऑरा होती है वैसी ही सिचुएशंस हम अपनी लाइफ में ला लेते हैं। ये हमारा वो मीटर है जिसके हिसाब से हमारी लाइफ में चीजें चलती हैं। हमारे लाइफ में अच्छा पैसा उस हिसाब से होता है, अच्छे लोग उस हिसाब से होते हैं, अच्छी हेल्थ हमारी उस हिसाब से होती है, और सेम वही अगर बुरा है तो भी इसी फील्ड के हिसाब से। अगर आपकी फील्ड सही नहीं है तो बुरे लोग और बुरी सिचुएशंस, बुरा हेल्थ, बुरे फाइनेंसेस, ये सब उसी का प्रोपोर्शनल अमाउंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आखिर ये ऑरा मैनेज कैसे होती है, ये एनर्जी मैनेज कैसे होती है। आज का सबसे हॉट टॉपिक ये है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें कि हमारी ये एनर्जी उस लेवल पे रहे कि हम इम्यून रहें, हमारी एनर्जी फील्ड, हमारे आभा मंडल के अंदर कुछ भी वैसा ना आए जो हमारे लिए नेगेटिव हो। तो अगर हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, इम्यूनिटी इज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो और चार पीज इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। पी अल्फाबेट, प्रोटेक्शन का फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पी है प्योर इंटेंशन, शुद्ध भावना। जब आपकी भावना शुद्ध है तो आपकी एनर्जी हमेशा हाई होती है। शुद्ध भावना का मतलब मैं भी जीतूं, दुनिया में हर कोई जीते, विन विन सिचुएशन। जितना हम ज्यादा शुद्ध भावना का उपयोग, इज नॉट द करेक्ट वर्ड, जितना हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, देखिए पहले इनिशियली हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि हमको कहीं ना कहीं स्कूल डेज में ये सिखाया गया कि अगर मैं फर्स्ट आऊं तो किसी को सेकेंड आना है। आई मीन जस्ट इमेजिन, अगर सब ठीक है, सब नहीं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी फर्स्ट आ जाएं, क्या हो गया? ये जो विन एंड लूज की हमको फॉर्मूला बताई गई ना, उससे हमको ऊपर आना है। और आज तो सिचुएशन भी वो है कि हमको किसी को भी नहीं चाहिए कि ये वाला पर्टिकुलर वायरस हो, इवन द पर्सन जिसके साथ हमारी नहीं बनती है ना उसको भी ना हो, क्योंकि अगर एक को भी है तो सबको होने का फिर चांस है। तो प्योर इंटेंशन, शुद्ध भावना, फर्स्ट पी ऑफ प्रोटेक्शन। सेकेंड, पॉजिटिव माइंडसेट। अब पॉजिटिव माइंडसेट के लिए अगर मैं आपको बोलूं, अच्छा ही अच्छा सोचो, बस हजार तरह के फियर्स हैं हमारे अंदर, अच्छा ही अच्छा सोचें कैसे, करेक्ट है, मैं एग्री करती हूं, पर अगर वो फियरफुल होने में, अगर वो डरने में हमारी एनर्जी कम हो रही है, हमारी ऑरा कम हो रही है, हमारी वो फील्ड कम हो रही है, अगर ये इक्वेशन, ये कैलकुलेशन हमको समझ आ गया तो हमारा ये डेफिनेटली काम बनता है कि हम ये डिसाइड करें, हम ये सोचें कि इसको चेंज कैसे करना है, इसको शिफ्ट कैसे करना है। शिफ्ट कैसे करना है? शिफ्ट आप इजीली, सबसे इजीएस्ट चीज आपका पॉजिटिव माइंडसेट लाने के लिए है कि जब भी आप किसी चीज से डर रहे हैं,
राइट नाउ अगर ये डर है कि ये आके मुझे पकड़ लेगा, तो अपने वो ग्रेटिट्यूड, अपने वो शुक्र याद कर लीजिए कि आपके साथ लाइफ में क्या क्या अच्छा हुआ है। एक दो तीन चार चीजें भी अच्छी है ना, उसको रिपीटेडली याद कीजिए। ये आपका जो ऑरा है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो इनहांस करके रखेगा। एक बड़ी ऑरा एक बहुत बड़ा रक्षा कवच होता है। तो ये हमारा बिल्कुल दायित्व है, बिल्कुल ही हमारी ड्यूटी है कि हम इनहांस करके रखें अपना वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। जितनी बार आप इस चीज का शुक्र करेंगे कि थैंक यू गॉड मेरे साथ ये अच्छा हुआ था, कभी को हुआ था डजंट मैटर, आज आप याद कर लीजिए, बार बार याद कीजिए। जितनी बार याद करेंगे, देखिए 60,000 थॉट्स हैं, उसमें से आप अगर तीन चार ग्रेटिट्यूड भी अगर फिर याद करते हैं ना, आपकी इनहांस्ड इम्यूनिटी हो जाती है। थर्ड, प्राणायाम। ये तो मेडिकल साइंस ने भी माना है कि जितनी इनहांस्ड लंग कैपेसिटी होगी, उतना ज्यादा आप अपना इम्यूनिटी बढ़ा देंगे। लंग कैपेसिटी बढ़ाने का सबसे इजीएस्ट का ऑप्शन ही नहीं है, यही ऑप्शन है कि आप अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बढ़ाएं। अगर आपने स्टार्ट नहीं करी है तो अभी आप प्लीज अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। प्राणायाम वही होता है, डीप ब्रीदिंग प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, कपालभाति हो गया, दो तीन पिक कर लीजिए, दिन में दो तीन बार कीजिए। जब बुखार ज्यादा होता है तो पैरासिटामोल ज्यादा लेना पड़ता है, वैसे ही प्राणायाम आप हर मील के पहले, हर टाइम आप खाना खाने बैठते हैं उससे पहले थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए। और फोर्थ, प्रेयर्स। प्रेयर वो भाषा है जो आप अपने, जिसमें भी आपका विश्वास हो, आपको उस डर से बाहर निकाल लेगा। तो कलेक्टिव प्रेयर्स डेफिनेटली हमारा ऑरा बहुत बढ़ा देता है, हमारी वो एनर्जी फील्ड बढ़ा देता है, कॉस्मिक एनर्जी का इनफ्लो हमारे अंदर बढ़ा देता है। तो प्रोटेक्शन के लिए चार पीस। फर्स्ट इज आर पॉजिटिव माइंडसेट, प्योर इंटेंशन, प्राणायाम एंड प्रेयर्स। वी हैव टू डू इट सो दैट हम वो ब्लेस्ड बंदे हैं जिसको ये पैंडेमिक अफेक्ट नहीं करेगा या मिनिमम अफेक्ट करेगा। टेक केयर, थैंक यू।